हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास गाइलैंड मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए कोहिनूर के सुपर शटरूम से जुड़ी हुई जानकारी लेकर आएंगे, किस प्रकार से काम करता है, क्या इसके अंदर टेक्निकल है, कौन सी फसल के अंदर आप इसे यूज कर सकते हो, कितनी मात्रा के अंदर आपको यूज करनी है और कौन कौन से कीटों पर ये प्रभावी है। तो इन सभी से जुड़ी हुई जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना ना भूलिएगा और साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको नई वीडियो की अपडेट आपको तुरंत मिलती रहे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जो कोहिनूर का सुपर शटरूम है इसके अंदर थाई मोक्षम 30% FS फॉर्म के अंदर में देखने को मिलता है। हेलो दोस्तों, जो ये थाई मोक्षम है ये एक सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड है जो एक सिस्टमेटिक तरीके से जो किट होते हैं उन पर टारगेट करके उनको ख़त्म कर देती है। हम बात करते हैं कि आप इसे कौन कौन सी फसल के अंदर आप इसे यूज़ कर सकते हो। देखिए, आप इसे कपास के अंदर यूज कर सकते हो, गेहूं के अंदर यूज कर सकते हो, सोयाबीन के अंदर यूज कर सकते हो, मिर्च के अंदर यूज कर सकते हो, भिंडी के अंदर यूज कर सकते हो और मकई के अंदर यूज कर सकते हो, सूरजमुखी के अंदर यूज कर सकते हो, गन्ने के अंदर भी आप इसे यूज कर सकते हो। तो बात करते हैं कौन कौन से कीटों पर ये प्रभावी है। देखिए, ये एपिड और जैसिड पर कंट्रोल करती है। वाइट फ्लाई पर भी इसका बहुत ही अच्छा नियंत्रण हमें देखने को मिलता है। साथ में सूट फ्लाई पर भी ये काम करती है और टर्माइट्स होती हैं उनके अंदर भी ये काम करती है, सूट फ्लाई होती है उसके अंदर भी ये काम करती है और थ्रिप्स पर भी एक अपना अच्छा रिजल्ट ये देती है। और जैसिड एपिड का तो आपको पता ही है, उसके अंदर तो ये अच्छा रिजल्ट देती है। स्टीम फ्लाई पर भी ये अपना काम पकड़ अपनी मजबूत बनाती है और साथ में उस पर भी ये अपना काम देती है। मुख्य रूप से बोले तो ये कपास के अंदर जो एपिड और जैसिड और वाइट फ्लाई आता है उसके अंदर ये काम करती है, गेहूं के अंदर टर्माइट आती हैं उन पर भी अपना काम करती है, सोयाबीन के अंदर जो सूट फ्लाई आती है उस पर ये अपना काम करती है और मिर्च के अंदर थ्रिप्स का जो प्रकोप हमें देखने को मिलता है उसके अंदर भी ये अच्छा रिजल्ट देती है। जैसिड पर भी अपना कंट्रोल करते हैं, मकई के अंदर भी और सूरजमुखी के अंदर भी जो एक कंट्रोल जो पिटो जो इंसेक्टिसाइड आते हैं उनको ये कंट्रोल करती है और साथ में ये वार वोम आते हैं उन पर भी काम करती है और लीप माइनर पर भी अपना काम करती है। और इसका जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। इसका लगभग 15 से लेकर 18 दिन तक इसका रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। जो गन्ने के अंदर वाइट फ्लाई आती है उस पर भी अपना अच्छा रिजल्ट ये अच्छा रिजल्ट दिखाती है। इसके जो पैक हैं वो आप 500 ml 1 लीटर का पैक आप ले सकते हो। बात करें इसकी प्राइस की, देखिए जो इसका प्राइस है वो इसका प्राइस है अलग अलग मार्केट के अंदर इसका प्राइस अलग अलग हो सकता है क्योंकि डिफरेंट कंपनी के डिफरेंट प्रोडक्ट आते हैं। हम खाली थाई मोक्षम की बात करें तो जो थाई मोक्षम है वो लगभग आपको 1 लीटर का थाई मोक्षम है वो लगभग आपको 1000 से लेकर 1100 रुपये के बीच में आपको मिल जाता है। रिजल्ट इनका काफ़ी शानदार है और आप इसको बेझिझक यूज कर सकते हो, किसी भी इंसेक्टिसाइड या फंगसाइड के साथ में मिलाकर आप इसको प्रयोग में ले सकते हो। और अन्य कोई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स के थ्रू से पूछ सकते हो। और वाइट फ्लाई पर इसका जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट है हमने, क्योंकि गन्ने के अंदर जो वाइट फ्लाई थी उस पर इसका रिजल्ट काफ़ी प्रभावी इसका रिजल्ट हमें देखने को मिला है। और ये एक बोर स्पेक्ट्रम फंगिसाइड इंसेक्टिसाइड होती है, आप इसे सीड ट्रीटमेंट के लिए भी आप इसको प्रयोग कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग और इसी प्रकार हमारी वीडियो को देखते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।